स्नो से माउंटेन्स, और ये बारिश स्टार्ट हो चुकी है और आपने ना बहुत मीठा है। आई विल नेवर रिकमेंड की। तो पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी की पूरी मॉल रोड फुल पैक्ड है। मैं शान है पंजाब रेस और नाम है ऑटो मिला। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे आप सब, होप सो अच्छे होंगे। सो गाइस, नए दिन की शुरुआत करते हैं आज नए ब्लॉग से। तो जैसे कि आपको पता है, हम मनाली आ गए थे एंड कल रात को स्नोफॉल हुई थी। और अभी कुछ अपडेट ऐसा है, यहाँ पे जितनी भी स्नोफॉल हुई थी यहाँ पे वो बारिश के कारण रुक नहीं पाई। बट यहाँ से हल्का सा ऊपर अगर आप देखोगे हडिम्बा टेम्पल जो है वहाँ पे पूरी स्नो हो रखी है। तो आप देख सकते हो, अब हमारा प्लान यही है, हम जा रहे हैं बाय वॉक ऊपर हडिम्बा टेम्पल, क्योंकि आपको पता है कि कल गाड़ी हल्की सी लग भी गई थी और ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। जिस रास्ते हमारे होटल से वो पास पड़ता है रास्ता, तो एक और भी हम वहाँ से भी जा सकते हैं। तो हमने बेटर यही चॉइस करा कि हम अपना बाय वॉक ही चलते हैं। तो ऊपर जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको, ऊपर स्नोफॉल दिखाते हैं और थोड़ा फन करते हैं उधर के, उधर चल के चलो चलते हैं। सो गाइस, जैसा कि अभी हम होटल से बाहर ही निकले थे, एज़ यू कैन सी ओवर देयर प्रॉपर पूरे कवर्ड है स्नो से माउंटेंस। और ये जब हम आए थे कुछ भी नहीं था, और ये कल ही में सब कुछ हुआ है। और ऐसे ही सेम अभी हमें ऊपर हडिम्बा में भी मिलने वाला है, और थोड़ी सांस फूल रही है चढ़ने में, तो धीरे धीरे चलेंगे। सो फाइनली गाइस, जो अभी हमने आपको रास्ता दिखाया था वो हम उस रास्ते से नहीं गए, हमें किसी ने बताया कि नीचे वाले रास्ते से जाओ, आपको शॉर्टकट भी पड़ेगा और चढ़ाई भी नहीं चढ़ने को पड़ेगी। और साथ ही साथ यहाँ बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। आपने देखा, ये मैंने जैकेट जैसी पहनी हुई है, हम तीन लोगों ने नॉर्मल ऐसी जैकेट पहनी हुई है, मतलब अगर बारिश तेज़ हो गई तो कन्फर्म हम गीले हो जाएंगे। तो कोई नहीं, फटाफट पहले मंदिर चलते हैं देन और आगे बढ़ते हैं। चलो ऑर्डर किया, भुट्टा खाना देना है तो भुट्टा लिया, और क्या हम भुट्टा भी ऑर्डर करते हैं। तो अब देखते हैं पहाड़ी भुट्टा कैसा होता है खाने में। सो लेट्स ट्राई, मसाला सब अच्छे से लगाना, नींबू मसाला। मेरे को तो यार पहाड़ों के भुट्टे इतने अच्छे लगते हैं ना, सो यमी। ये वहाँ दिल्ली में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ का जो टेस्ट आता है ना, कहीं पे भी नहीं आ सकता। और जो शांति मिलती है यहाँ पे आके, अगर पहाड़ों पे और भुट्टा ना खाओ, पहाड़ों पे और भुट्टा ना खाओ, तो वह तो वैसे लगता है कि हम इनकम्प्लीट रह गया पहाड़ों पे आना। बट आपका भुट्टा थोड़ा अलग सा नहीं लग रहा, लाल लाल सा? मेरा भुट्टा ही है। ये भी भुट्टा खा रहे हैं, भुट्टा ना बहुत मीठा है, मीठा बहुत मीठा है और बहुत सॉफ्ट है, मज़ा आ रहा है खाना। सो गाइस, मुझे ना सॉक्स में ना प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने यहीं से सॉक्स लिए हैं, 100 रुपीज़ की 3 मिली हैं, लेकिन बहुत गर्म है सॉक्स। दिल्ली में भी मिल जाती है बट पता नहीं गर्म लग रही है, मे बी शायद यहाँ का लोकल होगा या क्या होगा वो पता नहीं। और अभी हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, रेस्टोरेंट क्या, थोड़ा सा चाय टपरी कह सकते हैं इसे, वहाँ बैठे हैं और ब्रेड पकौड़ा और मैगी वैगी ऑर्डर करा है, एंड पकौड़े भी, मिक्स वेज पकौड़े ऑर्डर करा है, चाय कॉफ़ी ये सब ऑर्डर करा है। तो अभी ये खाते हैं और आपको दिखाते हैं, और फिर चलते हैं इसी के साथ साथ आगे। तो मॉल रोड जाना है, वो आपको जाके वहाँ ही दिखाएंगे। सो गाइस, हमने ऑर्डर करे थे पकोड़े, और आप भी देख के बताओ ये क्या है, किस एंगल से पकोड़े लग रहे हैं। आई डोंट नो, ये थर्ड है क्या? नहीं आ रहा भैया, आ रहा हूँ। ये क्या, चाय? चार चाय, एक कॉफी बोला ना। हाँ जी, और एक मैगी। ऐसे तो नहीं दिखे थे जी, बड़े बिल्कुल वो है, ये सामने देखो ना, ऐसे ही है जैसे आपके सामने हुए थे वैसे ही। चलो खा लो यार, क्या बहस करेंगे। पकौड़े या कुछ और है, मेरे को तो लग रहा है वो नहीं होती बूंदी, बूंदी पापड़ी। सो गाइस, अभी जैसे कि हम आए हुए थे ये पीयूष कैफे पे, अभी मैंने बताया था आपको खाने का, तो बोलना नहीं चाहूँगा, बहुत ही मतलब घटिया एक तरीके का खाना, एंड सर्विस तो और भी पैथेटिक, बिल्कुल पैथेटिक। ये है बिल्कुल यहाँ पे, बिल्कुल उसके पीछे। तो आई विल नेवर रिकमेंड कि आप यहाँ ट्राई करो, सो बेस्ट आप कहीं और देख लो बट यहाँ नहीं। चलो बाकी अब चलते हैं, हम मॉल रोड जा रहे हैं, या फिर हम जाएंगे अभी नेहरू कुंड से ऊपर बर्गर खाने, अशोक का जो है वहाँ पे। तो बाकी देखते हैं, अभी पहले मॉल रोड चलते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। फाइनली गाइस, वी आर एट मॉल रोड, एंड जैसे कि आप देख सकते हो पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रॉपर स्टैचू बना हुआ है। ये लास्ट ईयर जब मैं आया था तो मेरे सामने ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था,
एंड जैसे कि 31st है, यहाँ पे फेस्टिवल को ही सेलिब्रेट होगा। और मॉल रोड इस वक्त मतलब मनाली, एक तरीके मॉल रोड नहीं, पूरा मनाली इस वक्त फुल पैक है। सो गाइस ये पूरी की पूरी मॉल रोड फुल पैक है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे ऑलरेडी मतलब कल है, आज है 30th एंड कल है 31st, तो इस चक्कर में मॉल रोड पूरी फुल ऑन पैक है। मतलब गाड़ियों का तो आप पूछे मत, जाम इतना, दो दो घंटे का जाम है। बाकी तो यार हम आगे चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। अभी कुछ खाएंगे पहले, देन कुछ शॉपिंग भी करनी है घर की, वो करते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। ये रम बॉल है, ये देख लो, ये डार्क चॉकलेट है, ये प्रलाइन है, ये प्लम केक है रम बॉल में, ओके, ये ब्लैक फॉरेस्ट है, वो रेड वेलवेट है, वो हेजलनट है, स्ट्रॉबेरी है, बटर स्कॉच है, चॉकलेट है, ओके। मैं तो ये ट्राई करूँगा। सो गाइस यहाँ पे तंबोला की गेम खिलाते हैं ये, और कुछ प्राइजेस वाइज देते हैं, और इसकी कोई टिकट्स भी है। तो हमने तो अपना एक बार ही खेला था, बस फॉर फन करा था, बट ठीक है यार। बाकी तो क्या बोले इसका, वी कांट से एनीथिंग ना, क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमें हम कुछ नहीं कह सकते। अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क, यस। तो चलो मॉल रोड घुमाते हैं। बाकी बहुत भीड़ है यार, बहुत भीड़। सो गाइस मॉल रोड का सीन कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड हो रखा है एंड ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अभी हम आए थे शान पंजाब रेस्टोरेंट में, एंड हमने ऑर्डर करा है मोमोस और सिड्डू। सिड्डू जो है वो यहाँ की लोकल डिश है, एंड यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उसका इसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब हम ये खाते हैं, हमने ये वेज में मंगाया क्योंकि अभी हमारा मन था वेज खाने का। सो गाइस हमने भी ऑर्डर करा था वेज मोमोस एंड वेज सिड्डू, तो अब इसे खाते हैं, फिर बताते हैं आपको इसका कैसा टेस्ट है, कैसे नहीं। सारा भी हमारे होटल में पार्टी भी होगी, बहुत सिर्फ सहूलियत, और देखते हैं आप क्या है क्या नहीं है सीन। रात का तो रात को, रात को ईद आएंगे आपको। चलो अब तक हम कुछ खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हमें बस खानी है सॉफ्टी, खानी है 18-1 वाली, बस वो खाते हैं, मेनू ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ शॉर्ट्स भी अपलोड करेंगे, हो चुका है, इसको बस लाइव कर दूंगा मैं अभी, तो जाके चेक कर लो आप। खाने लगेंगे, इसके बाद दिन जाएंगे हम वापसी होटल में, और वहीं चलते हैं, फिर आपको आगे का दिखाते हैं। अभी यहाँ से ऑटो भी लेते हैं, पहले ये खाने फिर ऑटो लेके फिर आगे चलते हैं। सो फाइनली गाइस अभी हम मॉल रोड पे हैं, एंड जैसा कि ये देख सकते हैं आप, शॉर्ट अपलोड के लिए लगा दिया, स्पीड आ नहीं रही इंटरनेट की, एंड बहुत और क्राउड है, तो यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है, हम सीधा वापसी जा रहे हैं होटल में। तो अब होटल में मिलते हैं, बहुत ओवर क्राउडेड है, तो कोई मतलब बनता नहीं है यार यहाँ रुकने का, अगर होगा थोड़ी देर में वापसी नीचे गाड़ी लेके आ जाएंगे। मॉल रोड तो वैसे पूरा पैक है, और ना हमें ऑटो मिला और कुछ भी नहीं, ना कोई टैक्सी वाला ऊपर जाने को राजी है, तो अब हमें ऊपर खुद पैदल जाना पड़ रहा है। और आप देख सकते हो हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी है, चढ़ाई है पूरी सीधी की सीधी, और सामने देखोगे वो देखो पूरा का पूरा चांद लगा हुआ है, पूरी चढ़ाई है, पूरी चढ़ाई। तो जा रहे हैं, अब ऊपर जाके मिलेंगे, अभी ऊपर पहुँचने में 15-20 मिनट लगेंगे, कोई नहीं पहुँच के फिर मिलते हैं आपसे ऊपर ही सीधा रूम पे। सो गाइस अब हम आ चुके हैं टेक अ बाइट पे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी हमने यहाँ से पैक करवाया है चिली पोटैटो। तो हमारे को मिले हैं पवन भाई डेली के ही हैं। पवन भाई बताइए अपने रेस्टोरेंट के बारे में। अपने रेस्टोरेंट के बारे में ये बताना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पे आते हो आपको बेस्ट से बेस्ट खाना मिलेगा, खाने के साथ आपको चाइनीज, साउथ इंडियन हर एक चीज मिलेगी। बट यहाँ आके ना थोड़ा सा टाइम दोगे तो आपको प्यार भी मिलेगा साथ में, और साथ में अच्छा खाना भी मिलेगा। ये तो भाई जी ने बहुत अच्छी बात करी, मुझे भाई जी का नेचर बहुत अच्छा लगा। तो अब हम यहाँ से ऑर्डर ले रहे हैं, चलते हैं और फिर होटल में चलते हैं, फिर सीधा आपको दिखाते हैं।